केडीएस न्यूज। बेहतरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आईआईटी महाराष्ट्र के छात्रों ने पोर्टेबल अस्पताल बनाकर जहां पूरे देश को गौरवान्वित किया है, वहीं यह अस्पताल कोरोना जैसी महामारी में बेहद कारगर साबित होने वाला है। आईआईटी महाराष्ट्र के छात्रों द्वारा इस अस्पताल को बनाने के पीछे जो मकसद था वो बेहद साफ था कि भारत के ग्रामीण अंचलों में भी स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर किया जा सके। ऐसे में आज इस अस्पताल की खासी ज़रूरत है। ऐसी बेहतरीन खबरों को आप हमारे चैनल पर देखने के लिए केडीएस न्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए हम भारत सरकार द्वारा इसकी विशेष रिपोर्ट आपसे साझा करते हैं। आईआईटी मद्रास के स्टार्टअप मॉड्यूल्स हाउसिंग ने एक पोर्टेबल अस्पताल की इकाई तैयार की है, जिसे 2 घंटे के भीतर कहीं भी 4 लोगों की मदद से तैयार किया जा सकता है। मेडिकैप नाम के इस पोर्टेबल अस्पताल के जरिए कोरोना वायरस के मरीजों की जांच, पहचान, आइसोलेशन और इलाज उनके स्थानीय समुदायों के बीच ही किया जा सकता है। मेडिकैप को फोल्ड किया जा सकता है। इसमें 4 जोन हैं, जिनमें एक डॉक्टर का कमरा, एक आइसोलेशन रूम, एक मेडिकल रूम वार्ड और एक ट्विन बेड ICU है। इस मेडिकैप की खासियत ये है कि फोल्ड करने के बाद ये वास्तविक आकार का 5वां हिस्सा रह जाता है। These are pre-engineered structures that can be set up anywhere and anytime. When COVID-19 struck humanity, T-Modelers realized that the world needed a much better and faster health infrastructure. Medicap is the first of its kind to be successfully registered under Central Drug Standard Control Organization. It proved its effectiveness to hold the cabin at a negative pressure even on such a hilly terrain. The entire hospital was transported on a single vehicle only. These cabins can be custom built in a factory and 2 or more such cabins can be gained together to form a bigger intermeshed facility. इस पोर्टेबल अस्पताल को COVID-19 के मरीजों के इलाज के लिए केरल के वायनाड में शुरू किया गया है। 2018 में IIT के 2 पूर्व के छात्रों ने इसे स्थापित किया था और इस मॉड्यूलर हाउसिंग को IIT मद्रास इंक्यूबेशन सेल का समर्थन हासिल है। स्टार्टअप कई ऐसे छोटे अस्पताल विकसित कर रहा है जो पूरे देश में तेजी से तैनात किए जा सकते हैं। निश्चित तौर पर ये व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में काफी उपयोगी साबित होगी, खासकर जहां पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव है।